छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारत की जनवादी नौजवान सभा ने अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र सौंपा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 15 सितंबर 2020 को छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारत की जनवादी नौजवान सभा ने अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र और माननीय जिलाधिकारी सुल्तानपुर को संबोधित मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी सुल्तानपुर को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना संसद में पेश किए और शिक्षाविदों छात्र संगठनों के सुझावों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से मंजूरी दे दी, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और ऐसे छात्र और शिक्षक विरोधी शिक्षा नीति का हम विरोध करते हैं और इसे रद्द करने की मांग करते हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला सचिव शिव पूजन पांडे ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन के बाद से नौजवानों की स्थिति बदतर बनी हुई है, उनका रोजगार छिन चुका है और ऐसी भयावह स्थिति में सरकार को नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। जबकि हमारी सरकार रोजगार सृजन न करके रोजगार छटनी करने में जुटी हुई है, रोजगार के सवाल पर आत्मनिर्भर बनने का भद्दा मजाक कर रही है, वह भी उस समय जब देश का नौजवान भयानक आर्थिक तंगी का सामना करते हुए अपने घरों पर बैठा है। हमारा संगठन महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करता है कि सरकार के द्वारा भर्तियों पर लगाई गई रोक को तत्काल समाप्त करें और नई भर्तियों का सृजन करके नौजवानों को काम दें। छात्र संगठन SFI के जिला सचिव सौरभ मिश्रा ने कहा कि पिछले 5 महीनों से लगातार स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, लेकिन निजी स्कूलों की तरफ से लगातार अभिभावकों के पास फीस वसूली के संदेश भेजकर दबाव बनाया जा रहा है, वह भी तब जब स्कूल पूरी तरह से बंद पड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ कोरम पूर्ति है, जनपद के बहुतायत अभिभावक इस व्यवस्था में शामिल भी नहीं है, फिर भी ये वसूली जारी है। हमारा संगठन जिलाधिकारी सुल्तानपुर से यह मांग करता है कि जब तक स्कूल खोले नहीं जाते तब तक की पूरी फीस माफ की जाए। मुद्दे को लेकर आप यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं? आज पूरे जिले के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 5 महीने से पूरा देश लॉकडाउन के चलते, सुल्तानपुर भी उससे प्रभावित है और पूरा सुल्तानपुर लॉकडाउन चलते बंद रहा है। ऐसे में तमाम लोगों के रोजगार प्रभावित हो गए, धंधा पानी जो लोग दुकान करते थे, जो लोग ठेला लगाते थे, जो लोग घुमटी लगाते थे, उनके कारोबार प्रभावित हैं। दुकानें बंद चलने के चलते और प्राइवेट जो रोजगार कर रहे थे लोग, उनके काम छिने हुए हैं। ऐसे में लोगों के पास पैसे नहीं हैं। 5 महीने से सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं और स्कूल से लगातार फीस जमा करने के लिए लगातार मैसेज किए जाते हैं, लोगों के पास फोन किए जाते हैं। हमारी यह मांग है जिला प्रशासन से और कि वो जिले के अंदर एक आदेश पारित करें और यह निर्देश दें कि जितने भी विद्यालय हैं, लॉकडाउन जब तक रहा है, जब तक है, तब तक किसी भी अभिभावक से किसी भी प्रकार के बच्चों से फीस वसूली ना की जाए। दूसरी बात, आज ये मांग दिवस में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज पूरे प्रदेश देश के अंदर जहाँ भी जनवादी नौजवान सभा सफाई के लोग हैं, वो आज इस मांग दिवस को मना रहे हैं, जिसके तहत जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको काम नहीं है, जिस योग्य हैं, उनको वो काम देने की मांग की जा रही है और जब तक उनको काम नहीं दिया जाता, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करे। दूसरा जो जिले का महत्वपूर्ण विषय है, वो आधार कार्ड का है। यहाँ पे जिला पे आपके बैंकों में और आपके डाकखाने में केवल आधार कार्ड बनाए जाते हैं। एक सेंटर पर 15 फार्म की अनिवार्यता, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। 3-3, 4-4 बजे से रात से लोग लगकर फार्म के